मैं इस समय गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरहो बिंदो में हूँ। मुखिया प्रत्याशी ललिता देवी के समर्थन में निवर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत कुरहो बिंदो शंकर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर काफी संख्या में पंचायत वासियों का हुजूम है, भीड़ है। इनके समर्थन में जनसंपर्क अभियान चल रहा है, रैली है। पंचायत के सभी गांव और वार्ड्स की जनता इनके साथ इनके समर्थन में यहां पर खड़े हैं। आइए बात करते हैं यहां के निवर्तमान मुखिया शंकर प्रसाद शर्मा, जो कि मुखिया प्रत्याशी के पति हैं ललिता देवी के, क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए किस तरह का इनका समर्थन है, कितना जोरदार इनमें उत्साह है। हमारे साथ निवर्तमान मुखिया सह मुखिया पति मुखिया प्रत्याशी के पति शंकर प्रसाद शर्मा है। आइए इनसे बात करते हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है। आपकी पत्नी इस बार पंचायत में चुनाव लड़ रही है मुखिया पद के लिए, क्या लगता है कैसा समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? मेरा समर्थन, पूरा जनता मेरे साथ है और चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, पूरे जनता हमारे लिए चुनाव लड़ रहा है। जितना मेरा नवयुवक साथी है सब चुनाव लड़ रहा है। पंचायत का मुखिया कैसा हो? जीतेगा जी, जीतेगा ललिता देवी, ललिता देवी, ललिता देवी। आप प्रशंसकों का उत्साह देख रहे थे, समर्थकों का उत्साह देख रहे थे, आइए बात करते हैं आपसे, जानना चाहेंगे संक्षेप में, आपकी पत्नी अगर मुखिया बनी तो किस तरह से कुरबिंदो पंचायत में काम होगा? जब हमारी पत्नी मुखिया बनेगी तो नवयुवक के साथ हम लोग बैठ के जैसे पहले कार्य किए थे उसमें कुछ हल्का फुल्का गलत हुआ हमसे, इन इस बार सारे नवयुवक के साथ बैठ के ही को कार्य किया जाएगा। नवयुवकों का साथ रहेगा, नवयुवकों से मिलकर बैठकर काम होगा पंचायत का विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं और इनके द्वारा जानने का प्रयास करते हैं कि ललिता देवी का किस तरह का समर्थन लोगों को मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज कुमार अग्रवाल है। धीरज, आप बताइए पूर्व मुखिया का काम आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा रहा है। इस बार उनकी पत्नी इस पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है जीत पाएंगे वो? बहुत भारी बहुमत से जीतेगी वो। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? इसलिए लग रहा है कि जो पूर्व मुखिया जो हमारे शंकर प्रसाद शर्मा जी है, उन्होंने पंचायत के विकास के लिए बहुत काम किए हैं। कोई भी रोड, कोई भी गली को विदाउट पीसीसी, विदाउट फाइबर ब्लॉक का नहीं रहने दिए। और मेरा पंचायत में 6 गांव आते हैं, हर पंचायत में पीएम आवास से सबको भरपूर कर दिए हैं, लाभान्वित किए हैं। हाँ, पूरा काम पूरा जीत रही है। हाँ, पूरा। आप बताइए क्या नाम हुआ? बबलू अंसारी। आप बताइए अंसारी जी, क्या लगता है इस पंचायत से अगला मुखिया कौन बनेगा? इसमें कोई शक की बात नहीं कि ललिता देवी चुनाव हरी मोहम्मद से जीत रही। क्यों ऐसा आपको लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है? हम लोग किसी के जात ना पात से हम लोग डायरेक्ट विकास के नाम से वोट मांगते हैं, ठीक है, और जनता विकास के नाम पर वोट कर रही है। जनता भली भांति जानती है कुरोबिंदो की कि कौन कैसा नहीं है। अभी तो खैर चुनावी माहौल है, कोई भी कितनों भी प्रत्याशी, 11 हमारे मुखिया अभी है, लेकिन जनता तय करती है कि कौन सा कौन बेहतर है। और हम लोग किसी जात और पात पर नहीं बात करते हैं। कुरोबिंदो में विकास हुआ है और उस विकास को अगर छूटा पुटा है तो उसको दोहराने के लिए कौन बनने जा रहा है अगला मुखिया? ललिता देवी। ललिता देवी निवर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत कुरोबिंदो शंकर प्रसाद शर्मा की पत्नी जो है इस पंचायत से चुनाव लड़ रही है ललिता देवी। इस बीच कुछ और लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ? मोहम्मद इजहार सारी। आप बताइए इजहार जी, क्या लगता है कौन इस पंचायत का अगला मुखिया बनने जा रहा है? ललिता देवी बनने जा रही है। क्यों, किस बात को लेकर? विकास कर रहे हैं उनका पति, विकास के नाम पर। विकास के नाम पर
ग्राम पंचायत की तस्वीरें हैं। ललिता देवी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में है। निवर्तमान मुखिया जो है शंकर प्रसाद शर्मा, उनकी पत्नी, काफी संख्या में यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी आए, उनसे बात करके उनकी राय ले। क्या नाम हुआ आपका? लीलो पंडित। पंडित जी आप बताइए कैसा लग रहा है, कौन बन रहा है इस पंचायत का अगला मुखिया? ललिता देवी। क्या कारण है? हेलो। बहुत अच्छा विकास किया है, बहुत अच्छा विकास हुआ है, गरीबों के बहुत सहयोग किया है, गरीबों का सहयोग हुआ है। आप बताइए क्या नाम हुआ? मोदी जी आप बताइए कौन बन रहा है मुखिया का अगला पंचायत? ललिता देवी बने। ललिता देवी, क्या कारण है? कारण है विकास हमारे गाँव में, विकास बहुत अच्छा हुआ। आप बताइए क्या नाम हुआ? दिलीप जी आप बताइए कैसा लगा काम निवर्तमान मुखिया का? सर अच्छा काम लगा, बोल के जनता इनके पास जुड़ी है, जब इनके पति ने अच्छे काम करके दिखाए तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनकी पत्नी भी बहुत अच्छे काम करेगी। यही ढंग से हम लोग सारे जनता जुड़ गए हैं और इस बार हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग ललिता देवी को पूर्ण बहुमत से मुखिया बिंदु। ये तस्वीरें निवर्तमान मुखिया शंकर प्रसाद शर्मा की पत्नी मुखिया प्रत्याशी ललिता देवी के समर्थन में चुनावी रैली, भारी जन संपर्क, जन समर्थन लोगों को जन संपर्क पर निकले हैं निवर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत कुरहोबिंदो शंकर प्रसाद शर्मा, जिनके नेतृत्व में यहाँ काफी संख्या में लोग उपस्थित हैं। सारे लोग इनके कार्यों के सराहना करने वाले लोग हैं और इनकी पत्नी जो कि इस बार इस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी है, उनके समर्थन में लोगों का यहाँ पर हुजूम है। सभी का कहना है कि अच्छा काम हुआ है, इसलिए अच्छा काम करने वाले को एक बार फिर से इस पंचायत का मुखिया बनने का अवसर दिया जाएगा। धन्यवाद।